नूतन होम्योपैथिक क्लिनिक की ओनर डॉक्टर मधुलिका शुक्ला एमडी बीएचएमएस होम्योपैथिक फिजिशियन ने वुमेन डे पर सभी महिलाओं को बधाई देते हुए कहा, वुमेन्स डे पर महिलाओं के लिए ओपीडी कंसल्टिंग बिल्कुल फ्री रहेगी, जिसमें पीसीओडी, पीसीओएस, इंटरफर्टिलिटी, ओवरी क्रिस्ट, किडनी डिजीजेस, यूट्रिन फिब्रॉइड, स्टोन, स्किन डिजीज, वेट गेन लॉस आदि पर परामर्श देंगी। आइए सुने क्या कुछ डॉक्टर मधुलिका शुक्ला ने कहा। मैं होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ, महिला रोग विशेषज्ञ इन होम्योपैथी, नूतन होम्योपैथिक क्लिनिक केशवपुरम कल्याण से। वुमेन्स डे की आप सभी महिलाओं को बहुत बहुत बधाइयाँ, स्वस्थ रहें और अपना ध्यान। मैम, जैसे होम्योपैथिक बहुत चीज़ों में कारगर हो गया है, इतनी पहले शुरू में लोग नहीं लेते थे, अब ज़्यादातर होम्योपैथिक, तो कौन कौन सी वो बीमारियाँ जिसमें जो है बहुत ज़्यादा कारगर हुआ है? होम्योपैथी ऐसे अगर आप बोलें तो हर डिजीज़ में आपका कारगर है, नेचुरल पैथी है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो पूरी तरीके से काम करती है। अभी अगर आप कहें तो कई सारी ऐसी बीमारियाँ हैं, जैसे अगर हम महिला दिवस की बात करें तो महिलाओं की बीमारियों के ही लिए बात करते हैं। ओवरी में सिस्ट है, बच्चेदानी में गांठ है, पीसीओडी है, एंड पीरियड्स में अगर उतार चढ़ाव है या कम होना, ज़्यादा होना, तो इस कंडीशन में आपकी होम्योपैथी बहुत अच्छा काम करती है। जहाँ पे पुराने समय में आपको एक एलोपैथी या अदर पैथीज की अगर हम बात करें, जो मॉडर्न पैथीज हैं, वहाँ पे आपको जाने के लिए तो वहाँ पे सर्जरी एक ऑप्शन बचता था, पर अभी आपका होम्योपैथी में वो चीज़ें बहुत आराम से क्योर हो रही हैं, पूरी तरीके से क्योर हो रही है, और ओरल मेडिसिन से ही हम आपको 100% से बचाते हैं। जैसे कि स्टोन में ज़्यादातर लोग जो है होम्योपैथिक के ही तरफ जाते हैं, तो जैसे गॉल ब्लैडर की होती तो वो भी विदाउट ऑपरेशन हो जाता है? हाँ जी सर, आपका अगर हम स्टोन की भी बात करते हैं, किडनी स्टोन तो सबको ही पता है कि वो ठीक होता है होम्योपैथिक से। जीबी स्टोन में भी अगर प्राइमरी स्टोन ओकेशन में या आपका कोलेस्ट्रॉल का स्टोन बना है तो वो आराम से आपका होम्योपैथिक मेडिसिन से डिसॉल्व हो जाता है। हम जैसा कि आज वुमेन्स डे है, तो उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं बस महिलाओं को इतना ही कहना चाहूँगी, जिस तरीके आप अपने परिवार के ध्यान रखते हैं, अपने काम को, आज की महिलाएं तो मल्टीटास्कर होती हैं, अपने काम को लेकर चल रही हैं, घर को लेकर चल रही हैं, उसी प्रकार आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। छोटी छोटी स्वास्थ्य रिलेटेड जो भी दिक्कतें आती हैं उन्हें नज़रअंदाज ना करें, पूरी तरीके से अपने स्वास्थ्य के लिए अवेयर रहें, और जितना आप अर्ली डॉक्टर से परामर्श लेते हैं उतनी चीज़ें आपकी बेटर रहती हैं। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो समाज स्वस्थ रहेगा।